Hello friends i hope you have seen the first part of the chapter energy which was importance of simple machines here we are going to discuss the different types of simple machines please watch the video till the end and if you are coming for the first time please do subscribe to my channel and hit the like button so without wasting let's start so types of simple machines Basically, there are six types of simple machines that we are going to discuss here. First one uh, out of them is lever. So, what are the different types? These are the pulley, lever, inclined plane, screw, wedge, and wheel and axle. Out of them, let us take lever first. So, what is a lever? Lever is a rigid bar. A bar matlab, a koibi fatta ho gaya ya metal ka. कोई शीट हो गया दैट इज़ योर रिजिड बार विच कैन रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन जो एक पॉइंट पे फिक्स होती है यहाँ पर यह फिक्स है फाइन सो so, इसी के ऊपर नीचे टू एंड फ्रो ऐसे और ऐसे या फिर चारों तरफ ये घूम सकता है फाइन द पॉइंट और द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज फलक्रम जिस जो फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड एज फलक्रम फलक्रम बोलते हैं हम उसको और उसके बाद जैसे ये है आपके ये फिगर को आप अगर देखते हैं इफ यू सी दिस डायग्राम हेयर यू हैव दिस इज फलक्रम फिक्स पॉइंट फाइन सो इफ यू आर अप्लाइंग एफर्ट हेयर आपने यहाँ पे इसको प्रेस किया और यहाँ पे आपको इस लोड को उठाना है तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज एफर्ट आर्म इतना जो डिस्टेंस फलक्रम और एफर्ट के बीच का और फलक्रम और लोड के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कोल्ड एज लोड डार्म इफ यू हैवंट वॉच्ड माय लास्ट वीडियो प्लीज़ गो थ्रू दैट आई हैव एक्सप्लेन ऑल द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू दिस इन दैट वीडियो फाइन सो लोडाम दिस इज एफर्ट आर्म हाउ दे आर कनेक्टेड लेस टू सो प्रिंसिपल ऑफ लीवर इट स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट विद एफर्ट आर्म इक्वल टू लोड विद लोड आर्म दैट मीन्स जो लोड आपने अप्लाई किया और लोड आर्म को मल्टीप्लाई करो एफर्ट जो अप्लाई किया एफर्ट आर्म से मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वल होता है सो so, इसको L इज लोड एंड बी एफ जो उसमें था हमारे पास वो लेंथ ऑफ द लोड आर्म ऐसे ही ई मल्टीप्लाईड बाई ए एफ सो एल अपॉन ई इज़ इक्वल टू ए एफ एफ इज एफर्ट आर्म एफर्ट आम ओवर लोड आम ठीक है तो ये हमारा जो है ये ये इक्वल होता है ठीक है सो एल अपॉन ई इज इक्वल टू ए एफ अपॉन बी एफ सो लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आम ओवर लोड आम दिस इज द बेसिक फॉर्मूला विच इज बिंग यूज इन दिस नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ लिवर्स फाइन फर्स्ट वन इज फर्स्ट ऑर्डर सो बिफोर डिस्कसिंग दिस आई विल टेल यू देर इज अ वर्ड फ्ली फ्ली ये आप याद रखेंगे फ्ली फ्ली से क्या है एफ फोर फल क्रम एल फोर लोड एंड ई फॉर एफर्ट ठीक है दिस इज फ्ली सो जो भी अब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ये हमने कैसे डिफाइंड किए हैं कि सेंटर में क्या है अगर सेंटर में सेंटर में फलक्रम है तो फर्स्ट ऑर्डर सेंटर में लोड है तो सेकंड ऑर्डर और सेंटर में एफर्ट है तो थर्ड ऑर्डर फाइन अब इसका क्या मतलब हुआ जैसे हम अगर सीजर की बात करते हैं सीजर में यहाँ एफर्ट है दिस इज योर एफर्ट दिस इज योर लोड विच इज़ टू बी कट एंड वेयर इज द फलक्रम इन सेंटर फाइन सो दिस इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर्स फाइन जैसे ये हो गया सीसा है देखो सीसा में दिस इज योर लोड एफर्ट एंड फलक्रम फाइन सो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर द फलक्रम विल रिमेन इन द सेंटर सेकेंड ऑर्डर इन सेकेंड ऑर्डर वट विल बी एफ एल ई लोड लोड इन द सेंटर एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दिस इज द फलक्रम फाइन एंड दिस इज द एफर्ट दिस हेयर इट इज द एफर्ट सो वेयर इज द लोड इन बिटवीन सो इफ़ यो हेयर ऑल्सो देखो ये फलक्रम है हमारा ये एफर्ट है और लोड बीच में तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर का एंड एफ एल ई एफर्ट अगर बीच में है तो हमारा होता है थर्ड ऑर्डर जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट दिस यहाँ पर अ शुगर टोंग शुगर को पकड़ने के लिए एनी टोंग विच वी आर यूजिंग इन आवर किचन इन चपाती मेकिंग चपाती ऑल्सो वी यूज अ टोंग वहाँ पे क्या होता है फलक्रम यहाँ हम पकड़ते कहाँ से उसको बीच में से और जो भी चीज़ हमें शुगर होल्ड करनी है चपाती होल्ड करनी है वो एंड में होती है दैट इज योर लोड सो दिस इज एनी काइंड ऑफ टोंग इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट फ्ली फ्ली फलक्रम लोड एंड एफर्ट फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर आई होप यू आर क्लियर बाद now. हमारे पास है पुली पुली में होता है हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क जिसके चारों तरफ होता है ग्रूव ग्रूव मतलब एक रास्ता जिसके ऊपर से हम वायर को या किसी भी रस्सी को पहुंचा सकते हैं एंड इट इज़ फिक्स्ड इन सेंटर एक हमारे पास हुक है या एक सेंट्रल रॉड है जिसके अंदर ये फिक्स होती है एंड इट कैन मूव अराउंड फाइन एंड इट कैन बी ऑफ टू टाइप टू टाइप फिक्स्ड सिंपल पुल और योर मूवेबल पुली फिक्स जैसी आपके वेल से पानी निकालने के लिए यूज होती है यू हैव अ ग्रू व्हील ओवर दैट देर इज अ ग्रू जहाँ से हम रोप को पास करके यहाँ पे बकेट ही वाटर डालते हैं और ये होती है जैसे हमें चर्च की बेल को प्रेस करना है या मंदिर की बेल को प्रेस करना है या डिफरेंट लोड को ज़्यादा हैवी लोड को हमें उठाना है इन दैट केस वी यूज मल्टीपल पुलिस मूवेबल पुलिस जैसे दिस वे वन रोप इज गोइंग लाइक दिस इफ यू आर पुलिंग दिस फ्रॉम हेयर दिस लोड इज गोइंग टू मूव फर्दर फाइन इज इनक्लाइंट प्लेन जैसे ये होता है आपको किसी ट्रक में व्हीकल में आपने देखा होगा अगर किसी लोड को हमें ऊपर करना है चढ़ाना है या रैंप जैसे घर की रैंप होती है कार स्कूटर को ऊपर लेके जाना है वहां पर दिस दिस इज कॉल्ड एज इनक्लाइंट प्लेन सो हैवी लोड को ऊपर लेके जाने के लिए हमें इनक्लाइंट प्लेन की जरूरत होती you है यू कैन सी हेयर इन इन द व्हीकल और इन द शिप यूर यू आर यूजिंग द इंक्लाइंड प्लेन सो दैट यूर एफर्ट विल बी रिड्यूस्ड एंड वर्क कैन बी डन कम्स वेज ये ये जो होती है ये ट्राइंगल जिसमें बनी होती है दैट इज कॉल्ड एज वेज अ डबल इनक्लाइंड प्लेन दोनों तरफ से इंक्लाइंड है इस तरफ से भी इंक्लाइंड है और दूसरी तरफ से भी ये इनक्लाइंड है दैट इज योअर वेज फाइन फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी दिस नाइफ इन दिस नाइफ ऑल्सो यू हैव अ वेज ये देखो ये यहां से भी इंक्लाइंड है और ये यहाँ से भी इट इज मेकिंग अ ट्राइंगल सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेज हेयर इट इज़ फलक्रम जहां से ये फिक्स है ये देखो ये फिक्स है और यहाँ दिस इज योर एफर्ट पॉइंट एंड दिस इज योर लोड पॉइंट फाइन सो जिसमें ऐसा होता है दैट इज योर वेज फॉर एग्जाम्पल योर चीजल नाइफ प्लो एंड एंड कम स्क्रू अ रोटेटिंग इनक्लाइंड प्लेन इस स्क्रू ये जैसे होता है इसमें यू हैव अ अलेंड्रिकल मेटल वे ऑब्जेक्ट एंड अराउंड इट द ग्रूव्स आर देयर फाइन जैसे ये है नट एंड बोल्ड इसमें भी आपके पास स्क्रू का यूज हुआ है अगर यहाँ पे जैक में आपके पास स्क्रू का यूज होता है फाइन इट मेक्स योर Uh, work easy, and you can. It, it it is very you know hard also. If you if you put it inside the wall, then uh, it will not come out easily, as compared to the nails. Then comes wheel and axle. Wheel and axle essentially consist of two cylinders of different diameters. ज्वाइन टूगैदर सच दैट इफ़ वन इज मेड टू रोटेट द अदर ऑल्सो रोटेट इसमें क्या होता है हमारे पास दो अलग अलग सिलेंडर्स होंगे दोनों के साइज़ अलग हो सकते हैं एंड इफ़ वन इज मेड टू रोटेट अदर वील ऑल्सो रोटेट लाइक द सिलेंडर विद बिगर डायमीटर जो होता है जिसका बड़ा डायमेटर होता है वो होता है व्हील और जिसका छोटा डायमीटर होता है वो एक्सेल जैसे ये आपके दो पहिए होंगे दीज आर द व्हील्स एंड इन साइड इट देयर इज़ अ axle for joining them we use in our vehicles these kind of arrangement okay, so these were the different kinds of uh, simple machines now how to maintain them so you know that due to the friction and due to the weight some wear and tear always occurs in these machines so it is very very important to take care of these machines properly some parts in the uh, machine इन अ मशीन रब अगेंस्ट ईच अदर तो उनमें वियर एंड टीयर ज़्यादा होती है ड्यू टू द फ्रिक्शन टू अवॉइड दैट वट वी यूज वी लुब्रिकेंट लुब्रिकेट दैम रेगुलरली उनमें ऑयलिंग जो है वो हमें करनी चाहिए और जो नॉन मूवेबल पार्ट्स हैं दे शुड बी पेंटेड बिकॉज दे आर दे आर मेड अप ऑफ आयरन सो दे कैन गेट रस्टेड फाइन सो टू अवॉइड दैट वी शुड गेट देम पेंटेड in in after few months or years okay machine should be protected from dust because it increases also we should keep our machine clean and covered it should be painted properly it should be lubricated properly fine so this was all about your energy chapter if you like the video please 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 do subscribe to the channel thank you thanks for watching